हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने ग्लोफिश टेट्राफिश के बारे में। तो ये फिश मेरे साथ 3 साल से है अब तो, वैसे 3 साल से ज़्यादा ही हो चुका है। आपको बता दूँ, ये ग्लोफिश का लाइफ स्पैन 3 से 5 साल का ही होता है और मेरे भी इस 2.5 फीट के टैंक में काफ़ी ग्लोफिश अब चल बसे हैं। ग्लोफिश टेट्रा मार्केट में तो 6 कलर्स में अवेलेबल हैं, जिनमें से मैंने 5 कलर्स का अपने टैंक में रखा है। मुझे मेरे लोकल एरिया में अब तक तो वो एक बचे हुए कलर की फ़िश दिखी नहीं, वरना मैं उसे ज़रूर अपने टैंक में ऐड करता। ग्लोफिश काफ़ी लो मेंटेनेंस फ़िश है और आप चाहे तो वाटर चेंज 1 से 1.5 महीने में भी कर सकते हैं। इन 3 सालों में मुझे तो कभी भी इस टैंक या फिश से प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल परफेक्ट फ़िश है, ये बीमार भी होते हैं और इनमें कई तरह की बीमारी होती है। मैंने भी अपने टैंक में काफ़ी फ़िश उनके बीमार होने की वजह से खोए हैं। वैसे तो मैं अपने टैंक में वाटर चेंज हर 2 हफ्ते में करता हूँ। खाने में भी मैंने शुरू से सिर्फ टेट्राबिट्स दिया है, पर थोड़े चेंज के लिए कभी कभी फ्रोजन ब्लड वर्म या ट्यूबीफिक्स वर्म्स देता हूँ। शुरू में मैंने अपने 2.5 फीट के टैंक में 45 फिश ऐड किया था, जब इनका साइज़ आधा इंच रहा होगा। फिर धीरे धीरे ये 1.5 से 2 इंच के हो गए इन 3 सालों में। इस बीच मैंने इनमें कई तरह की बीमारी देखी, जिसके वजह से मैंने अपने फ़िश खोए। कुछ फ़िश को स्विम ब्लैडर डिजीज़ हो गया था, कुछ के हेड पर इन्फेक्शन हो गया था और कभी इनके माउथ से रिलेटेड एक डिजीज़ मैंने अपने ग्लोफिश में देखा है। बट सबसे कॉमन डिजीज़ है स्विम ब्लैडर डिजीज़। स्विम ब्लैडर सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो इनका एक इंटरनल ऑर्गन होता है जो इन्हें सीधा होकर स्विम करने में हेल्प करता है, पर किसी कारण से अगर ये स्विम ब्लैडर में प्रॉब्लम हो जाए तो फिर फिश अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं रह पाती, ये ठीक से स्विम नहीं कर पाएगी और फिर इसने खाना खाया या नहीं ये आपको पर्सनली ध्यान रखना होगा, वरना इसे मरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये स्विम ब्लैडर डिजीज़ होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो जो इनके स्विम ब्लैडर के नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट कर दे। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ये स्विम ब्लैडर डिजीज़ सिर्फ मेरे रेड फिश को है, जिन्हें मैंने एक अलग शॉप से लिया था, और बाकी के फिश किसी और शॉप से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस शॉप से मैंने लिया उनका वाटर क्वालिटी अच्छा नहीं रहा हो, और मैंने भी रेड कलर वाले फ़िश देखकर तुरंत ही शॉप से ले लिया और फ़िश कितने फिट हैं ये नहीं देखा, क्योंकि रेड कलर वाले फ़िश मेरे पास थे नहीं और मुझे चाहिए थे। स्विम ब्लैडर से अफेक्टेड फिश अच्छे से स्विम नहीं कर सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी फिश इस तरह से स्विम करते हुए थक जाती है और ऐसे नीचे लेट जाती है। मुझे इसके खाने का भी काफ़ी ध्यान देना होता है। और हाँ, मैंने सुना था कि इस केस में बॉइल्ड हरे मटर इन्हें तोड़ कर दिया जाए तो ये बीमारी ठीक हो जाती है, पर मैंने ऐसा एक बार अपने हॉस्पिटल टैंक में करके देखा और फिर भी ये फिश वैसे की वैसे ही है। इसने बॉइल्ड मटर खाया भी था पर फिर भी कोई चेंज हुआ नहीं। हाँ, लेकिन ये मैं फिर से ट्राई करूँगा और देखूँगा कि शायद ये काम कर जाए। वैसे थोड़े रिसर्च के बाद मैंने ये देखा कि ओवर फीडिंग से भी स्विम ब्लैडर इश्यूज़ होते हैं और इन्हें कम खाना ज़्यादा टाइम दिया जाए तो ही अच्छा होता है। अब मैं अपने फिश को 7 में से 6 दिन खाना देता हूँ और 1 दिन का फास्ट। उन 6 दिन में भी 2 टाइम खाना देता हूँ जो कि पैलेट्स होते हैं, वो भी 11 से 12 घंटे के इंटरवल पे। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरे फिश के डिजीज़ पर। इसे कॉटन ऊल डिजीज़ बोलते हैं, जहाँ फिश के स्किन पर कॉटन की तरह कुछ ग्रो होने लगता है। ये दिखता बिल्कुल फंगस की तरह है, पर होता ये बैक्टीरिया के कारण है और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये मैंने अपने 3 साल में अभी तक एक ही फिश के साथ एक ही बार देखा है। इसके होने का मेन कारण ख़राब वाटर क्वालिटी होता है, जो कि पॉसिबल है ये तब हुआ होगा जब मैंने कभी अपने टैंक का वाटर चेंज थोड़ा लेट किया हो। वैसे सिर्फ यही कारण नहीं है, अगर फिश को चोट लगा हो तो उस बॉडी पार्ट में भी ये इन्फेक्शन जल्दी फैलता है। वैसे कारण कोई भी रहा हो, ये डिजीज़ होने से फिश को भी प्रॉब्लम है और ये दिखने में बिल्कुल ख़राब लगता है। वैसे इसका ट्रीटमेंट काफ़ी सिंपल था और मैंने खुद किया था। अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये कॉटन या इन्फेक्शन साइज में बढ़ता ही जाता है और फिर फिश स्ट्रेस में चली जाती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने बाज़ार में वो मिलने वाले जनरल एड जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने में काम आते हैं उसे टैंक में ऐड करके 2 दिनों के लिए छोड़ दिया था। तीसरे दिन मैंने एंटी फंगस भी ऐड कर दिया ताकि कोई फंगल इन्फेक्शन का भी टेंशन ना रहे। और इन 3 दिनों के बाद मैंने वाटर चेंज कर दिया था फ्रेश वाटर से। फिर मेरी फिश 1 वीक में दोबारा से नॉर्मल हो गई थी। और अब आते हैं थर्ड टाइप के डिजीज़ पर,
जिसे क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता। मैंने अभी तक एक ही बार ऐसा केस देखा है जहां ग्लोफिश के अपर लिप्स छोटे हो गए हों और ये बार बार अपना मुंह बंद खोल रही थी। ये काफ़ी अजीब बिहेवियर था जहां मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माउथ का ऊपर का साइड कट गया है या क्या हुआ है। जब अगली सुबह मैं अपने टैंक के पास गया तो वो सेम फिश मर चुकी थी। इसका रीज़न तो मैं नहीं समझ पाया और मैंने फिर अपने फिश को टैंक से निकाल कर बाहर कर दिया और वाटर चेंज कर दिया। पर ऐसा सेम डिजीज़ मैंने अभी तक दोबारा किसी और फिश में देखा नहीं। अपने ही ग्लोफिश के टैंक में पिछले 3 साल में बस एक ही केस देखा था। बिल्कुल इसी तरह से मैंने अपने कई फिश खोए हैं। मैं कभी कभी टैंक के पास बैठा रहता तो पानी के ऊपर देखता कोई फिश तैर रही है, फिर मैं उन्हें निकाल कर बाहर कर देता और अपने टैंक का वाटर चेंज करता हूँ। वैसे ये काफ़ी हार्डी फिश हैं और इतनी भी जल्दी नहीं मरती। ये फिश अब अपने लाइफ स्पैन को पूरा कर रहे हैं जिसके वजह से मैं अब अपने कुछ फिश को खो रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो अब हर फिश जो भी इस टैंक में है उन्हें 3.5 साल हो गए हैं और अब इनकी एज भी पूरी हो रही है। इस टैंक में पहले काफ़ी फिश थे हैं पर अब थोड़े कम हो गए हैं। मेरा प्लान है इस टैंक में कुछ गप्पी फिश ऐड करने का और इस 2.5 फीट के टैंक को एक कम्युनिटी टैंक बनाने का, जैसे जैसे ग्लोफिश आगे चलकर कम होते जाएंगे। एक कम्युनिटी टैंक बन जाने के बाद मैं इस टैंक में अपना पहला प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप करूँगा। तो ये मेरा प्लान है।